हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एसे ऑन वाटर कंजर्वेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लोगन लिखेंगे, कंजर्व वाटर कंजर्व लाइफ। देन हम अपने एसे की स्टार्टिंग एक फैक्ट से करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है वाटर, पानी। इट सीम्स वी आर सराउंडेड बाई इट, ऐसा दिखाई देता है कि हम चारों ओर से इससे घिरे हुए हैं। इट कवर्स ओवर 70% ऑफ अर्थ सरफेस एंड मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यह हमारी धरती की सरफेस का 70% हिस्सा कवर करता है और हमारी ह्यूमन बॉडी में 60% अप्रोक्सीमेटली पानी है। सो वाई आर सो मैनी पीपल कंसर्न अबाउट कंजर्विंग इट, तो फिर क्यों इतने सारे लोग पानी को बचाने के लिए इतने चिंतित हैं? सिंपली बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट देयर सो मच ऑफ इट अराउंड, ओनली अ टीनी फ्रैक्शन ऑफ दैट वाटर लेस देन 1% इज एक्सेसिबल एंड सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारा पानी है, इस फैक्ट इस तथ्य के बावजूद उस परसेंटेज का सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन ओनली 1% जो है वो यूज़ करने लायक है या फिर ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ है। वाटर इज अ प्राइसलेस गिफ्ट फॉर ह्यूमैनिटी बाय नेचर, पानी प्रकृति द्वारा मानवता के लिए दिया गया सबसे अनमोल उपहार है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ड्यू टू वाटर, धरती पर जीवन पानी की वजह से ही संभव है। ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी, पीने के जल की कमी के चलते, पीपल टीच अस टू सेव वाटर एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट लाइफ एंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पीपल इन डिफरेंट एरियाज। तो पीने के पानी की इसी कमी के चलते सभी लोग हमें पानी बचाने के लिए और हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट हम अपना हेडिंग लिखेंगे, व्हाई वाटर कंजर्वेशन इज सो इम्पोर्टेंट, जल संरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, धरती पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स पानी है। बिकॉज वी नीड वाटर टू फुलफिल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, क्योंकि हमें पानी अपने जीवन की सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए चाहिए होता है। लाइक ड्रिंकिंग, जैसे कि पीना, ईटिंग खाना, बाथिंग नहाना, मेकिंग क्लोथ्स कपड़े धोना एंड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स और अपनी फसल उगाने के लिए। सो वी ऑल कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर लाइफ्स, तो हम पानी के महत्व को अपने जीवन में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इंस्टीड ऑफ पॉल्यूटिंग इट, इसे प्रदूषित करने की बजाय वी नीड टू सेव वाटर फॉर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उसको पानी प्राप्त हो, इसके लिए हमें पानी को बचाने की आवश्यकता है। वी मस्ट स्टॉप द वेस्ट ऑफ वाटर, हमें पानी को वेस्ट करने से बचना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। यूज द वाटर प्रॉपरली, पानी को अच्छे से यूज़ करना चाहिए एंड शुड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वाटर, और पानी की जो गुणवत्ता है उसकी साफ सफाई को मेंटेन करके रखना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक स्लोगन लिखेंगे, पुट अ स्टॉप टू द वाटर ड्रॉप, कि पानी के बहने पर रोक लगाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाथ का इमोजी बनाया है और वाटर की ड्रॉप का इमोजी बनाया है। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर टाइम मिले तो एक आप पानी की ड्रॉप तो बना ही सकते हैं, इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखा है द वाटर क्राइसिस इन इंडिया, कि भारत में जो वाटर का क्राइसिस है, ये जो इश्यू है, ये कितना फैल चुका है, इसके बारे में हम इस हेडिंग में डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के थ्रू। तो पॉइंट नंबर 1, इंडिया हैज़ अ सीरियस वाटर प्रॉब्लम, भारत में एक पानी की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। दी 2030 वाटर रिसोर्सेज ग्रुप एस्टिमेट्स दैट इफ़ वी कंटिन्यू टू कंज्यूम वाटर एज पर द करेंट रेट, इंडिया विल हैव ओनली हाफ द वाटर इट नीड्स बाय 2030। तो पॉइंट नंबर 1 में मैंने एक फैक्ट इंक्लूड किया है कि 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम इसी तरह से इसी स्पीड से पानी वेस्ट करते रहे या फिर पानी यूज़ करते रहे, तो 2030 तक आने वाले 10 सालों में हमें जितने पानी की आवश्यकता होगी उससे आधा पानी हमें मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा, नियरली 80% ऑफ इंडियाज़ फ्रेश वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, भारत के 80% फ्रेश वाटर को एग्रीकल्चर खेती करने में यूज़ कर लिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, इंडियाज़ फार्मर्स रिलाई मेनली ऑन ट्यूब वेल्स टू एक्जेक्ट ग्राउंड वाटर फॉर देयर क्रॉप्स इंस्टीड ऑफ इंडियाज़ लार्ज डैम्स एंड कैनाल सिस्टम्स। जो इंडियन फार्मर है वो डैम्स और कैनाल सिस्टम के पानी को यूज़ करने की बजाय जो ग्राउंड वाटर है, पीने का पानी है, ट्यूबवेल्स के थ्रू उसको यूज़ कर लेते हैं। नंबर 4, इंडिया ड्रॉज नियरली 25% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर,
तो इंडिया अकेला ही पूरे वर्ल्ड के ग्राउंड वाटर का 25% पानी खींच लेता है या फिर यूज कर लेता है। पॉइंट नंबर 5, 60% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड क्रिटिकल ऑन ग्राउंड वाटर। भूमिगत जल की दृष्टि से भारत के 60% जिले जो है वो क्रिटिकल घोषित हो चुके हैं। नंबर 6, रिसेंटली ऑन जून 2019 इन चेन्नई वन ऑफ द मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया ऑल द वाटर सप्लाई लेक्स ड्राइड अप। हाल ही में जून 2019 में चेन्नई जो इंडिया की मेट्रो सिटीज में एक है उसमें जो वाटर सप्लाई करने वाली जो झीलें थी वो सभी सूख गई एंड द गवर्नमेंट हैड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी वियर ट्रेन। सरकार को ट्रेन के माध्यम से राज्य में पानी लाना पड़ा टू मीट द डिमांड को पूरा करने के लिए। पॉइंट नंबर 7, इंडिया डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिजर्व्स आल्सो इंपैक्ट ओवर ड्रिंकिंग वाटर। भारत में भूमिगत जल का लगातार गिरता स्तर हमारे पीने के पानी पर भी प्रभाव डालेगा। इंडिया इज रैंक्ड 120 आउट ऑफ 122 कंट्रीज इन द ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स। विश्व जल गुणवत्ता स्तर में भारत 122 देशों में से 120वें नंबर पर आता है। पॉइंट नंबर 8, द कंट्रीज वाटर क्राइसिस हैज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉस्ट। देश में होने वाला जल संकट देश की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। देन हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हाउ वी कंजर्व वाटर, कि हम जल का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसको भी हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। एज इंडिविजुअल्स वी हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले इन वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण में हम व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वी कैन प्रैक्टिस दी फॉलोइंग मेजर्स डेली, हम रोजाना इन उपायों को अपना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, वी शुड यूज द बकेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाथ टब एंड शावर वाइल बाथिंग। नहाने के समय हम बाथ टब या शावर का यूज करने की बजाय बाल्टी भरकर पानी से नहा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, वॉशिंग मशीन्स एंड डिश वॉशर्स शुड बी लोडेड फुली बिफोर यूजिंग देम। वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर्स को पूरा हम फुल करके यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज मच एज पॉसिबल एज द पावर प्लांट्स कंज्यूम टन्स ऑफ वाटर। हम बिजली का प्रयोग भी कम से कम कर सकते हैं क्योंकि जो बिजली के पावर प्लांट्स होते हैं वो टन्स ऑफ वाटर बहुत बड़े अमाउंट में वाटर जो है वो कंज्यूम करते हैं। पॉइंट नंबर 4, वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, हमें और भी ज़्यादा ट्रीज लगाने की आवश्यकता है। एंड आवर गार्डन्स नीड्स ह्यूज ट्रीज टू अपार्ट फ्रॉम द फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हमारे गार्डन्स में छोटे छोटे प्लांट्स और फ्लावर वाले प्लांट्स की बजाय बड़े पेड़ भी होने चाहिए। पॉइंट नंबर 6, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज टू बिकम कंपलसरी। वर्षा के जल का संरक्षण बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, वाटर दैट इज यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड ड्राई फूड आइटम्स नीड नॉट टू गो टू ड्रेन। फल और सब्जियां धोने वाला पानी ड्रेन नहीं किया जाना चाहिए। वी कैन वाटर द प्लांट्स विद देम, हम प्लांट्स को उससे वाटर दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, फॉर क्लीनिंग purposes, वी नीड नॉट pipes, हमें पाइप नहीं यूज करने चाहिए साफ सफाई के लिए। rather, वी कैन क्लियर द डस्ट फर्स्ट एंड देन वाइप विद क्लॉथ और मॉप, हम धूल को हटाकर फिर उस पर पोचा लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, वी मस्ट टर्न ऑफ द टैप while ब्रशिंग द teeth एंड while washing face and utensils, हमें ब्रश करते हुए या फिर फेस वॉश करते हुए या फिर बर्तन धोते हुए जब बीच में जरूरत ना पड़ने पर नल को बंद कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, और फार्मर्स नीड एक्सपोजर टू एडवांस मेथड्स ऑफ इरिगेशन सो दैट दे कंज्यूम लेस वाटर फॉर फार्मिंग purposes। हमारे फार्मर्स को भी एडवांस मेथड्स पता होने चाहिए जिसके कारण वे फार्मिंग करते हुए कम वाटर को कंज्यूम करें। नंबर 11, द इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज फॉर इंडस्ट्रीज रिलीजिंग अनट्रीटेड इन्फ्लुएंट्स इन फ्रेश वाटर सोर्सेज इज द नीड ऑफ द आवर। जो जो इंडस्ट्रीज फ्रेश वाटर में अपने औद्योगिक अपशिष्ट डालकर पानी को खराब करते हैं उन पर स्ट्रॉन्ग पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, ये आज के समय की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम पॉइंट्स लिखते हुए लिखेंगे ऐसे और लास्ट में हम कंक्लूजन लिख देंगे। टू कंक्लूड, वी कैन से दैट वी ऑल हैव टू अडॉप्ट वाटर कंजर्वेशन सो दैट वी कैन गेट वाटर इवन इन द कमिंग टाइम्स एंड द वेजिटेशन एंड ऑल द क्रीचर्स ऑन अर्थ कैन लिव वेल। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि हम सभी को जल संरक्षण को अपनाना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमें पानी प्राप्त हो सके जो कि वनस्पति जगत और धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए अच्छा होगा। तो एट लास्ट यहाँ पर फिर से एक स्लोगन लिखा है मैंने, डोंट फॉरगेट टू सेव वाटर अदरवाइज वाटर विल फॉरगेट यू अ डे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।